Hey, what's up guys, this is me Dushan Divedi and you are on Dushan Rock channel. Guys, if you are watching me this video, do subscribe my channel and bell icon ko click karna bilkul bhi na bhule. Guys, kuch dino se social media pe aur other platforms pe hume ek naam kaafi sunai de raha hai. Wo naam hai Harshad Mehta ka. Harshad Mehta, jo 31 December 2001 ko Bharat nahi, balki is duniya ko chhod kar ja chuke hain. Mera pehla shabd भारत नहीं से मतलब था, कई सारे ऐसे फ्रॉडस्टर हैं जो भारत को छोड़कर जा चुके हैं. कई सारे मोदीज हैं जैसे ललित मोदी एंड नीरव मोदी, मेहुल चौक से विजय माल्या, और ये लिस्ट काफी बड़ी है. ऐसे भी कई हैं जिनका नाम आज तक कभी आया नहीं है. लेकिन 1992 में नाम आया था सामने हर्षद मेहता का, जिन्हें स्टॉक मार्केट स्कैम में मुख्य आरोपी बनाया गया था गाइस. और इस पर अब सोनी लिव ने एक वेब सीरीज बनाई है काफी बढ़िया, और जिसमें 10 एपिसोड से गाइस. हंसल मेहता ने इसे डायरेक्ट किया है विद जय मेहताज हेल्प, एंड जो इस फिल्म की जो इस सीरीज की जो कहानी है वो टोटली एंड समली बेस्ड है सुचेता दलाल जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बुक 1992 स्कैम हु लॉस्ट हु गॉट एंड हु गॉट अवे. तो इस सीरीज की कहानी शुरू होती है गाइस हर्षद मेहता के जो स्टार्टिंग डेज हैं जहां पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं. वो कई सारी नौकरी छोड़ चुके हैं, कई सारी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना जो लक है वो नहीं मिल रहा है. शांतिलाल जी जो उनके पिताजी हैं वो उन्हें काफी समझाने की कोशिश करते हैं. अश्विन उनका जो भाई है वो भी उन्हें काफी समझाता है, लेकिन जो हर्षद है उसके ड्रीम्स काफी बड़े हैं और उन ड्रीम्स को पाने के लिए वो कदम रखते हैं स्टॉक मार्केट में. स्टॉक मार्केट जो उस समय नया था और कई सारे बिग प्लेयर्स जो उसमें थे वो पूरा ऑपरेट करते थे. बियर एंड बुल, बियर जो स्टॉक मार्केट्स को नीचे लेके जाते हैं एंड बुल जो उसे अप लेके जाते हैं. लेकिन हर्षद मेहता निकला इनसे भी आगे और वो बुल नहीं, वो बने बिग बुल. जी हाँ गाइस, हर्षद मेहता ने वो सब किया जो गवर्नमेंट की जो रेगुलरिटीज हैं, आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं, उसमें जो लूप होल्स थे उनको यूज करके हर्षद मेहता ने अपने सारे ड्रीम्स पूरे किए. इस ड्रीम्स पूरे करने में उनके कई एनिमीज बने, और वो एनिमीज केवल और केवल स्टॉक मार्केट में नहीं थे, उसके बाहर भी थे. सीरीज में ऐसा दिखाया गया है कि हर्षद मेहता का दिल्ली पार्लियामेंट यानी दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उस पर पूरा कंट्रोल था. लेकिन चीजें तब बिगड़ी जब एक जर्नलिस्ट जो थी सुचेता दलाल, उस समय उन्होंने एक आर्टिकल छापा और जो एसबीआई के जो 500 करोड़ रुपए थे वो कहाँ गए. इस इन्वेस्टिगेशन में हर्षद मेहता का नाम पहली बार आया, वरना उससे पहले हर्षद मेहता पैसे कमा रहे थे, लोगों को पैसे कमा के दे रहे थे, लेकिन कहीं मीडिया में उनका नाम गलत वजह से नहीं आया था. लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के आने के बाद गाइस चीजें बदलने लगी. उसके बाद हर्षद मेहता कई सारे अप एंड डाउन्स देख रहे थे. स्टॉक मार्केट की हड़ताल होने के कारण एसबीआई को उन्हें 500 करोड़ जो रुपए हैं वो चुकाने हैं, लेकिन गाइस एक व्यक्ति हर्षद मेहता सुबह से शाम में ही 500 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लेता है. एंड दिस रेज द आईब्रोज ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी के कैसे हर्षद मेहता 500 करोड़ रुपए जुटाने में कामयाब हो जाते हैं, जब तब कि वो अपने जो शेयर्स हैं जो कि 1400 करोड़ से ऊपर के थे उनको सेल नहीं कर सकते थे क्योंकि स्टॉक मार्केट की हड़ताल थी. और इन्वेस्टिगेशन होती है गाइस, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वेंकटरमन वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सीबीआई को इसमें लेके आया जाता है, और धीरे धीरे पड़ते खुलती हैं. कई बार हर्षद को जेल होती है, कई बार हर्षद को जेल से बेल मिलती है, लेकिन एट द एंड जो है वो कहानी एक ड्रामेटिक एंड लेती है. हालांकि राम जेठमलानी का जो इंसिडेंस है जहां पर जो हर्षद मेहता है वो डायरेक्टली पीएम जो उस समय के हैं पीवी नरसिम्हा राव उनको आरोप लगाते हैं, वो आल्सो अ रियल इंसिडेंट गाइस. अगर आपको इसके बारे में और पता करना है तो आप इस सीरीज को देखें. और हाँ, आप यूट्यूब पर हर्षद मेहता के रियल इंटरव्यूज भी देख सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या हर्षद मेहता ने ये सब कहा था, क्योंकि मैंने किया है क्रॉस चेक और एज इट इज ये वहां से कॉपी किया गया, जो एक बेहतरीन चीज है. लेकिन गाइस इसके अलावा
इस जो सीरीज है उसमें कई सारी चीजें प्रिडिक्शन भी करी हैं और प्रिजुडिस भी रही हैं, जैसे कि उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसको हमेशा बैड टेस्ट में ही दिखाया गया है, चाहे वो इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनना हो या फिर पीवी नरसिम्हा राव के को सीधे सीधे 1 करोड़ की जो रिश्वत का आरोप लगाया जाता है वो हो, लेकिन जो बाद में कभी भी प्रूव नहीं हो पाता। लेकिन 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनती है और हर्षद मेहता के ऊपर जो जो इल्जाम थे वो धीरे धीरे कम किए जाते हैं, उसके बारे में इसमें कुछ नहीं कहा है। पॉइंट केवल 10 सेकेंड का जो जो स्वेयरिंग इन सेरेमनी होती है अटल बिहारी वाजपेयी की, केवल वो दिखाई है, बाकी इसके बाद पहले की जितनी गवर्नमेंट थी उनको पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर दिखाया है, जो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बायस्ड है। हालांकि इसमें ये बात और देखने वाली है, क्योंकि ये जब स्कैम पूरा हो रहा था तो वो पुरानी गवर्नमेंट ही थी, लेकिन चाहती तो नई गवर्नमेंट हर्षद मेहता को इसमें पनिश कर सकती थी। लेकिन गाइस इसमें एक अलग चेहरा भी हर्षद मेहता का दिखाया गया है, वो है ह्यूमैनिटेरियन उनका चेहरा, जो है इंसानियत भरा, जिसमें वो लोगों को और ज़्यादा पैसा कमा कर देने की बात कर रहे हैं और लोगों को प्रॉस्पर, भारत को प्रॉस्पर बनाने की बात कर रहे हैं। वो सिटी बैंक का जो घोटाला है, जो एक फॉरेन बैंक है, वो कैसे आउटसाइडर को मतलब आउटसाइडर जो लोग होते हैं उनको मनी मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है या फिर आने में कैसे अड़ंगे डाला करता था, वो भी इसमें बखूबी दिखाया है। और इसके अलावा ये एक बहुत ही इमोशनल कहानी भी है गाइस, द रिलेशन बिटवीन हर्षद मेहता एंड हिज वाइफ, द रिलेशन बिटवीन हर्षद मेहता एंड हिज ब्रदर अश्विन इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। गाइज जो हर्षद मेहता का किरदार है वो प्रतीक गांधी ने निभाया है, जो एक गुजराती थिएटर आर्टिस्ट हैं और उन्होंने इसके साथ पूरा जस्टिस किया है। इसके अलावा सुचेता दलाल का जो किरदार है वो भी श्रेया धन्वंतरी ने, और ऑल इन ऑल कास्टिंग काफी बड़ी है, वास्ट है। रजत कपूर एज अ सीबीआई ऑफिसर इम्प्रेस करते हैं गाइज आपको। और जो इसमें एक किरदार और है वो जो मुझे थोड़ा हटके लगा, लेकिन जो जिसका काम बहुत कम था वो था जो एक अकाउंटेंट थे एसबीआई के, सीतारमन, उनका किरदार गाइज बहुत फनी है और वो आपको काफी मतलब जिस एपिसोड में वो भी आएंगे आपको मजा आएगा, आपको उनके कैरेक्टर को इस तरह से बनाया गया है कि आप उसे इंजॉय कर सकते हैं। गाइज ये सीरीज 1992 स्कैम द स्टोरी ऑफ हर्षद मेहता की जो ऐसी कहानी जो मीडिया में कभी नहीं आई उसको दिखाती है, वरना हमेशा से हम हर्षद मेहता स्कैम स्टार और स्ट्राइक पे शब्द यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ, हर्षद मेहता भी खुद ये कहते हैं जो इंटरव्यूज है उनमें यही कहा था कि जो मैंने प्रैक्टिस करी वो सब करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा नाम ऊपर आ गया और मैं फंस गया, वरना इसके जो जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो ऐसे नहीं होते थे। हालांकि बहुत सारी जो ट्रिक्स हैं जो हर्षद मेहता के जो कोट्स थे जो इसमें यूज किए गए उनको आप अपनी रियल लाइफ में भी अगर अप्लाई करेंगे गाइज तो मुझे ऐसा लगता है काफी आपके उसमें पॉजिटिविटी आएगी। तो गाइज ये 1992 स्कैम द स्टोरी ऑफ हर्षद मेहता एक बेहतरीन सीरीज है गाइज, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं इवन अपनी फैमिली के साथ। आजकल बहुत कम ऐसी ऑनलाइन सीरीज आती है जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। हर्षद मेहता 1992 स्कैम इज वन ऑफ देम जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं गाइज। ये था मेरा रिव्यू 1992 स्कैम का, जिसका मेरे हिसाब से नाम हर्षद मेहता होता तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि ये जो स्कैम था ऐसे स्कैम आज भी हो रहे हैं। राफेल स्कैम इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम जो हम आज हमने सामने देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है सीबीआई, जिसको इसमें भी उस समय की गवर्नमेंट का पैरेट बताया गया है, वो आज भी पैरेट है। ईडी हो, सेबी हो, सीबीआई हो, ये सब जो है जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट के खिलाफ जाना इनके काम में शामिल नहीं है। ये मेरा था रिव्यू गाइज, आपको कैसा लगा बताना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।